two, three. Hi everyone, welcome to my channel. ये मेरे vlog का part 3 है जिसमें मेरी mom, मेरी cousin और मैं Delhi से लाहौल drive करके गए. डे वन पे हम दिल्ली से मंडी गए वाया ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे, जो कि पार्ट वन ऑफ माय व्लॉग है, लिंक बिलो है अगर आपको देखना हो तो. डे टू पे हम मंडी से सिसु ड्राइव करके गए और डे थ्री पे हम सिसु से बारह अच्छा पास ड्राइव करके वापस सिसु आए. ये मेरे व्लॉग का पार्ट टू है, अगेन लिंक नीचे है. डे फोर को हम सिसु से मनाली गए और डे फाइव पे हम मनाली एक्सप्लोर करते हैं. ये मेरा पार्ट थ्री है जो कि ये पर्टिकुलर व्लॉग है. तो चलिए मेरे साथ मनाली एक्सप्लोर कीजिए. तो आज हमारा डे फोर है. हमारा इनिशियल प्लान था कि हम नीचे वो सिसु लेक जाएंगे और सामने सिसु वाटरफॉल तक ट्रैक करेंगे, बट पूरी रात बारिश हुई है और अभी भी बारिश हो रही है. तो हमने सोचा है हम ये प्लान ड्रॉप करके सीधा मनाली की तरफ निकलेंगे आज. होपफुली वहाँ बारिश नहीं हो रही होगी. बट द गुड पार्ट इज कि सामने बहुत सुंदर हो गए हैं पहाड़, बहुत स्नो गिर गई है. ओके, आज हम ट्रैक नहीं कर पाए बट उसके बदले हमें बहुत ही सुंदर हल्की हल्की स्नो मिली है, जस्ट इनफ फॉर मी. और कहते हैं ये इस सीजन की पहली स्नो है इधर पे. दिस इज सो ब्यूटिफुल. कैसे मम अमृत लगा लो स्नो डे. सो अब हम आए हैं बुरवा में, एक रात यहाँ रुकेंगे. हम एक कालिस्ता करके रिजॉर्ट में रुके हैं जो कि बहुत ही अभी तक तो हमें अच्छा लगा है. व्यू बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, बाथरूम भी अच्छे हैं. और ये हमें सिर्फ 1500 पर नाइट पे मिला है. तो इस बार हमने दो कमरे लिए हैं. तो ये मेरा और निधि का कमरा है और काफ़ी सुंदर है यहाँ. मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है अभी, बहुत ही सुंदर. और ये एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं वहाँ पे, सेब भी लगे हुए, नीचे गिरे भी हुए हैं. क्यूटी, कुछ एप्पल शॉपिंग हो रही है अभी. अभी हम जा रहे हैं चौस वाटरफॉल की तरफ. एक शॉर्ट ट्रैक है हमारे होटल से, अबाउट 40 मिनट्स. ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा वहाँ पे कि किसी को पता ही नहीं इसके बारे में, बट बाकी सारी वाटरफॉल्स बहुत दूर थी हमारे लिए. तो गांव के बीच में से होता हुआ रास्ता था, ये छोटा सा है. अभी तक तो रास्ता अच्छा है. कहते हैं बहुत 1.5 किलोमीटर है यहाँ से वो वाटरफॉल. सो देखते हैं हम कहीं पहुँचते हैं कि नहीं. बहुत मौसम अच्छा है. तो हम वाटरफॉल की तरफ पहुंच गए हैं. यहाँ पे नीचे अहिल्या नदी बह रही है, इसकी कहानी भी लिखी है यहाँ पे. तो अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी और
छल कपट की वजह से गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वो शिला बनेगी। ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, इसको अभी गौतम शिला बोलते हैं। अब हम जा रहे हैं, पीछे वो धौलाधार रेंज है, अहिल्या नदी वहीं से आती है। ये अहिल्या नदी है जो आगे जाके ब्यास में बहती है। तो हम वाटरफॉल तक तो नहीं पहुंच सके, ये इस जगह से अबाउट 50 मिनट्स का ट्रैक कह रहे हैं ऊपर की तरफ है, पर अभी काफ़ी अंधेरा हो रहा है, मतलब 5 बज गए हैं, तो वी नीड टू हेड बैक। तो हम बस यहाँ पे अभी हमने चाय पी है हमारी और अभी हम वापस जा रहे हैं। पर ये जगह भी अच्छी है, हमें तो बेसिकली वॉक करनी थी बिकॉज बहुत टाइम से हमने कुछ किया नहीं था, घर पे ही बैठे हुए थे और अभी डिनर का भी टाइम हो जाएगा। बट अच्छा है, सुंदर है ये। बेसिकली ये रिजॉर्ट बन रहा है अभी, तो अगले सीजन तक तैयार हो जाएगा, इट्स लाइक कैंपिंग बेसिकली। बट हमें अच्छी चाय और ब्रेड बटर मिला है यहाँ पे। ठंडा पानी, बहुत ही ठंडा पानी, वो गौतम शिला सामने। तो आज हमारा डे 5 है, मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम सोच रहे हैं हम मनाली मॉल रोड मार्केट घूमेंगे, पहले ब्रेकफास्ट खाएंगे, फिर घूमेंगे, फिर एक और जगह लंच खाएंगे और इवनिंग इश में अराउंड 5 o'clock के करीब वापस आएंगे। हमें अभी मॉल रोड पे मनाली के, क्या ये ठीक है? ये तो अखरोट है। अच्छा ले रहे हो? तो बादाम ले लेना। कैसे है अखरोट? अखरोट तो मैंने अच्छे से चंदा दे रहा। अखरोट लिए जा रहे हैं यहाँ पे और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग गार्लिक दिखाया हमें। ऐसा कब गार्लिक कभी देखा नहीं है मैंने। इसके 2-3 लेयर पील करोगे तो जाके कुछ गार्लिक मिलता है। तो हम ले रहे हैं यहाँ से वेज मोमोज और लाफिंग ट्राई कर रहे हैं। सिद्धू ट्राई करने का मन था पर बहुत बड़ा है तो हम नहीं कर रहे हैं। ये किस चीज का बना है? ये मैदा है क्या? ये बेसन और राइस का। बेसन और राइस, अच्छा। ये क्या तिब्बतन होता है कि हिमाचली? ये तिब्बतन ही है। तिब्बतन है पर सिद्धू तो हिमाचली है ना? सिद्धू है। ये क्या चीज है? हाँ जी, ये कॉटेज चीज सोयाबीन। अच्छा। सारे मिक्स होते हैं। हाँ, ठीक है। ओह निधि की, समथिंग डिफरेंट, ठंडा है ये। वेज है ना? हाँ वेज है। अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ, फैट प्लेट नाम है। हम वॉक करके जा रहे हैं मनाली मॉल रोड से। सो देखते हैं, 1 घंटे का रास्ता बता रहा है। शुरू विलेज में है, अबाउट 3.5 किलोमीटर है यहाँ से। हम पहुंच गए हैं फैट प्लेट कैफे, अबाउट 1 घंटे का वॉक था मनाली से। सुंदर जगह है काफी, बारिश हो रही है इसलिए हम बाहर नहीं बैठ रहे, बट बाहर बैठने की बहुत सुंदर जगह है वैसे।
ये है पैन ग्रिल ट्राउट, ये है कॉटेज चीज स्टेक और ये पेने पास्ता। अब देखते हैं कैसा है। ये कॉम्बो आइसक्रीम है स्ट्रॉबेरी मैंगो एंड टॉफी। एक ये पहाड़ी पिकल और एक एप्रिकॉट ऑयल। और ये आज हमारी मैग्नेट शॉपिंग हुई है।